भजन संहिता अध्याय 9 भजन संहिता अध्याय 9 हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्टों का नाश किया है। तूने उसका नाम अनंतकाल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वे अनंतकाल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन शहरों को और नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम व निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा, और यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊंगा। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वह सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंतकाल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जान ले।